चलिए ध्यान दीजिएगा, गांधीयन अप्रोच के बारे में भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी क्या है कि थोड़ा इनका थ्योरेटिकल बात बताया गया, इनका नाम ये है वो है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे मेन इसके फॉलोइंग आर द वेरियस फीचर ऑफ द ट्रस्टीशिप ऑफ गांधीयन थ्योरी, ठीक है, और गांधीयन थ्योरी मतलब ट्रस्टीशिप या गांधीवादी सिद्धांत की विभिन्न विशेषताओं को मतलब विशेषता निम्नलिखित है, उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या, ध्यान से समझिए कि गांधी वाज नॉट अगेंस्ट द स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक के अगेंस्ट नहीं थे, इंस्टेड ही गेव द फॉलोइंग कंडीशन फॉर कैरी ए फेवरेबल स्ट्राइक के बारे में, मतलब फेवरेबल स्ट्राइक को करने के लिए कुछ कंडीशन देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्या कंडीशन क्या है कि द वर्कर और लेबर कैन गो ऑन स्ट्राइक ओनली इफ देयर इज अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस, ठीक है, देयर शुड बी कंप्लीट नॉन वायलेंस, मतलब नॉन वायलेंस होना चाहिए या कुछ आधार होने पे ही कहीं ना कहीं हो जाएंगे। द वन हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक शुड नॉट बी टॉर्मेंटेड, मतलब क्या है कि उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए, कहीं कहीं ये बात है। अब ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि कोई विशेष शिकायत होने पर ही मजदूर या मजदूर हड़ताल पर जा सकते हैं, हड़ताल करते समय पूर्ण अहिंसक होनी चाहिए, मतलब जो भी हड़ताल हो वो कहीं कहीं पूर्ण अहिंसक होनी चाहिए। और तीसरी बात, जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं है उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब क्या है होता है क्या सिंपल सी बात है कि सपोज करिए 10 लोग कह रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे, एक बंदा कह रहा नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है, या हम नहीं जाएंगे, आप करिए हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि 10 लोग अपना एक ग्रुप बनाए और इसको परेशान करें मेरे भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का हड़ताल नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना मेरे भाई, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अहिंसक होना चाहिए। और क्या है कि मजदूर हड़ताल पे जा सकते हैं कब, विशेष मतलब विशेष कंडीशन में या विशेष परिस्थिति होने पर ही, जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं है तो उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, ये तीन की पैरामीटर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए चलिए, अच्छा एक छोटा सा बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अब ध्यान से समझना, आगे समझेंगे, समझना ये है मेरे भाई, जो भी क्लासेज हुई है अब उनके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है कि भाई कि इसमें ये गलत है या इस तरीके है, तो आपको ध्यान से समझना है क्या चीजें हैं मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, क्या है प्रीवियस ईयर है। अब क्वेश्चन का फ्रेमिंग पता है, होते समय दो बातों का ध्यान में रखा जाता है, एक उसमें फैक्ट है, ठीक है, और एक उसमें कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा। अब मेरे भाई फैक्ट जो होता है ना, जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट तो बना ही रहता है, क्लियर है कि भाई हाँ मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि गांधीयन अप्रोच है, इसका ये कॉन्सेप्ट है ही, क्लियर है बात समझिएगा। तो कॉन्सेप्ट में तो कोई सॉरी कॉन्सेप्ट में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अंतर यहां देखने को मिलता है, मतलब कोई चेंज अगर आता है तो यहां आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फैक्ट जो होते हैं भाई टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं दोस्तों। जैसे कि ESIF के अंतर्गत हम देखे थे कि भाई जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का और टाइम ड्यूरेशन के बारे में वो भी चेंज हो जाता रहता है मेरे भाई, या कहीं वेट सीलिंग के बारे में बात की गई वो भी चेंज हो जाता है। वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत देखेंगे कुछ बातें पाते हैं कि भाई अपर लिमिट क्या होगी जिसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है वो भी चेंज, जो 8,000 से 15,000 हो गया, तो ये सारी बातें हैं। तो मेरे भाई जो फैक्ट है ना वो उस ईयर के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन आया था ना उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया गया है, बात समझिएगा कि मतलब जो प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो आंसर था वही आंसर दिया गया है। अब क्या है कि अगर कोई चेंज आया है जिसको मैं आपको क्लास में बताया हूं मेरे भाई, ठीक है, अब देखिए मैटरनिटी बेनिफिट में एक्ट में चेंज आया तो उसको बताया, जहां भी चेंज आया उसको मैं बताया हूं मेरे भाई, तो उस बात को मेरी बताई हुई बात को ध्यान में रखना, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मेरे भाई वहां जाके पीछे तो 98 में जो ऑप्शन दिया होगा उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन जो क्लास में चीजें बताई गई है उसको ध्यान में रख के आपको पेपर में देना है। और क्या करना है कि अगर जो भी फैक्ट है उसको ध्यान से चेक करना, अच्छा यार इसका अब ये हो गया, पहले ये था अब ये हो गया, इसीलिए देखे होंगे क्लास में जब मैं बताता मेरे भाई तो बताते समय इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखता था कि भाई पहले क्या था और अब चेंज आया, दोनों में बताने की कोशिश करूं, ठीक है, तो उसी को कंपेयर करके आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। नहीं तो अब ध्यान देना है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वहां जो फैक्ट है, जो फैक्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है उसमें चेंज आए, लेकिन वो क्लास में बताया गया है और उस क्लास के अकॉर्डिंग उसको आपको सॉल्व करना है। मतलब सपोज करिए कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ, चार ऑप्शन है, अब देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन है आंसर, लेकिन ये आंसर कब कब का है, पुराने वाले के अकॉर्डिंग, तो यार तुरंत लिख दीजिए इसका ये चेंज हो गया, तो आपकी तैयारी भी बेटर होती चली जाएगी, आपको दिमाग में रहेगा अच्छा ये चीज परिवर्तित हो गया मेरे भाई, ये सारी चीजें चेंज हो गई। जैसे सपोज करिए कॉन्स्टिट्यूशन है, अब 2000 के अंतर्गत जो भी पेपर होगा उसमें संविधान का जो 21A के बारे में बात ही नहीं करेगा मेरे भाई, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया होगा,
उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद जो पेपर होगा वहां बात करेगा भाई मूल अधिकार के अंतर्गत, समझे नहीं समझे बात को। तो इस तरीके से चीजों को आपको ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है। तो जो परिवर्तन आया है कहां आया है, फैक्ट में कुछ परिवर्तन आया है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन क्या है कि उस परिवर्तन को क्लास में बताया गया है और उसको ध्यान में रख के, उस चेंज को ध्यान में रख के आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को। क्लियर है, बात समझ में आई है? और कॉन्सेप्ट में कहीं आप अंतर नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट सब वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई बात नहीं है, लेकिन वहां बात है उसको आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है, अब डाउट नहीं होगा ना, मतलब क्या सिंपल सी बात है यार। एक बात पहली बात, पहली बात तो ये समस्या आई कि लेबर लॉ के इतने क्वेश्चन लाए कहां से जाए, ऑथेंटिक क्वेश्चन कहां से लाए जाए मेरे भाई। ऑथेंटिक क्वेश्चन मतलब यही कि जिसको कहीं ना कहीं आयोग कराता हो या कुछ तरीके से हमें मिला हो मेरे भाई। अब हुआ क्या कि भाई आयोग इससे पहले जितना भी यूपीएससी पेपर का 3-4 पेपर कराया हुआ है उसमें ज्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं, तो वही देने से तो फायदा था नहीं, तो एक ट्रेंड हमें नहीं पकड़ में आता। तो नेट और जेआरएफ में इसका पेपर होता है मेरे भाई, वहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाए गए हैं, वहीं से क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब आंसर न होने का कारण क्या है कि जो भी टीम थी ना मेरे भाई, तो आयोग ने उसका आंसर दिया नहीं था उस समय, तो इसीलिए वो आंसर नहीं है क्योंकि उसमें स्टार बना हुआ था, तो वो चीज है, क्वेश्चन तो पड़ गया, हम चाहते तो क्वेश्चन हटा ही देते, ठीक है। लेकिन क्या उस समय मतलब क्या है कि चीजें ज्यादा से ज्यादा अच्छी से करने की कोशिश थी, तो हर चीजों पे उतना मतलब उसको प्रोवाइड कर दिया गया कि हाँ चलो इतनी चीजें जानी चाहिए लोगों के पास, पता तो चले किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और किसी का मान लीजिए सपोज करो कोई आंसर नहीं है, तो यार एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो उससे थोड़ा 400-500 क्वेश्चन खराब ही हो जाएंगे, वो थोड़ी बेकार हो जाएंगे भाई, उसका तो अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है यार, उसको हटाओ, जो चीज नहीं दिख रही है उसको हटा दो, ठीक है। हमारे पास भेजो, अगर हम ना बताए तब बताना, ठीक है, या क्लास में नहीं होंगी तब बताना मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में ना रखो, देखो समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है लेकिन हम उसे बड़ा कर देते हैं, तो चीजों को बड़ा नहीं करना है, छोटा करके उसको कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपल करके हमें आगे बढ़ना है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब सोचो यार इतना परेशान हो इसके लिए, एक बात बताओ आपको, आप जो यूपीएससी पेपर करा रहा है लेबर लॉ को, वो ये दिमाग में थोड़ी रख रहा है कि भाई आप जो भी स्टूडेंट है वो क्या लॉ का स्टूडेंट है तभी वो सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो ऐसा होता तो वो पैरामीटर रख देता कि इस पेपर को केवल लॉ वाले ही देंगे। तो यार वो जनरल इंफॉर्मेशन आपसे कहीं ना कहीं पूछेगा, जनरल चीजें आपसे पूछने की कोशिश करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आराम से चीजों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, समझ गए, क्लियर है। चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं, गांधी बाबा को समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जो गांधी फिलोसफी है कहीं ना कहीं, जो गांधी बाबा का जो कॉन्सेप्ट है वो तीन बातों को ध्यान में रख रहा था, ठीक। तो इसको आगे फिर देखिए क्या कहते हैं, तो गांधी जी वाज नॉट अगेंस्ट द कैरिंग आउट स्ट्राइक, ठीक है। ही बिलीव दैट इट शुड बी लास्ट ऑप्शन, मतलब क्या है कि लास्ट ऑप्शन होना चाहिए क्या, स्ट्राइक विच द लेबर शुड रिसोर्ट टू आफ्टर द फेलर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल वेज टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड द नेगोशिएशन विद द एम्प्लॉयर, मतलब क्या है कि ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए और इससे पहले जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या जो भी पीसफुल तरीके से चीजों को सॉल्व किया जा सकता है उसको वो अप्लाई कर ले, ठीक है दोस्तों, क्लियर। देखिए आगे बात दिख रहा है, द गांधियन अप्रोच इलस्ट्रेटेड दैट नेचर हैड प्रोवाइडेड अस विद ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, दस सच नेचर गिफ्ट बिलोंग टू द होल सोसाइटी, मतलब पूरी सोसाइटी के बारे में कहीं बात कर रहा है, एंड कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए पर्सनल पोजीशन बाय द एनिमल, मतलब गांधीवादी दृष्टिकोण ने स्पष्ट किया कि प्रकृति ने हमें मानवीय क्षमता और विभिन्न प्रकार की संपत्ति प्रदान की है, इस प्रकार इस तरह के प्रकृति के का उपहार पूरे समाज का है और इसे किसी के व्यक्तिगत अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब गांधी बाबा की बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा और रख के कोशिश करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी इज अडॉप्ट नॉन वायलेंस वे टू ब्रिंग द इकोनॉमिक पैरिटी मटेरियल एनहांसमेंट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। मतलब इस सिद्धांत का उद्देश्य पूंजीवादी समाज में आर्थिक समानता और भौतिक वृद्धि लाने के लिए अहिंसक तरीकों को अपनाना है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या आगे लिख रहा है कि गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक संगठन एक संयुक्त उद्यम है और श्रमिकों को शेयर धारकों के साथ सहयोग और साझेदार के रूप में माना जाना चाहिए, ठीक है। जो अपने आर्टिकल 43A में कहीं कहीं देखेंगे भाई, शेयर की अवधारणा मतलब क्या है कि इंडस्ट्री के अंतर्गत जो लेबर है, ठीक है, उसे भी एक मतलब मैनेजमेंट के अंतर्गत ही समझा जाए, ठीक है।
इसके अलावा श्रमिकों को सभी व्यावसायिक लेन देन और उचित ज्ञान, मतलब जो भी इसमें लेन देन हो रहा है उसका उचित ज्ञान होना चाहिए, या उसके उसके जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके राइट के अंतर्गत कहीं देखा जाएगा कि उसके नॉलेज में चीजें होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए लिख रहा है, ही फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड बिलीव दैट द गेन शुड बी शेयर्ड विद द एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ हुम इट हैज बीन पॉसिबल। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है या जो भी गेन हो रहा है उसमें उसमें क्या है कि एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय का शेयर होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा पर्सन है जिसके आधारों पे कहीं कहीं ये चीज अचीव किया गया या जिसके मेहनत पे इस चीज को अचीव किया गया, ठीक है। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया और उनका मानना था कि लाभ कर्मचारियों के साथ साझा किया जाना चाहिए जिनकी वजह से यह संभव हो पाया है, ठीक है। ही ऑल्सो एम्फेसाइज दैट the industrial dispute and conflict between the parties should be resolved healthy through the interaction, arbitration and bilateral negotiation. मतलब इन तरीके से कहीं ना कहीं जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि औद्योगिक विवाद और पार्टी के बीच संघर्ष को बातचीत, मध्यस्थता और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से मतलब स्वस्थ रूप से कहीं कहीं हल करना चाहिए। दिस थ्योरी गेन्ड मैसिव पॉपुलरिटी इन द एंड इज अप्लाइड टू एड्रेस डिस्प्यूट एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इवन टुडे। मतलब आज भी इसका ये इंपॉर्टेंस है कि इसका अप्लाई किया जाता है, कहीं कहीं इंडस्ट्री में ध्यान रखा जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए अगला जो साइकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या है कि इसके अंदर ये पाएंगे कि भाई साइकोलॉजिकल मतलब कहीं कहीं उसके विचार में जाएगा, ठीक है, कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। सिंपल सी बात है, आदमी के विचार को देखते हैं कहीं ना कहीं कि वो सोचता कैसे है, किस तरीके से चीजें हैं। तो इसमें एक मतलब एक अप्रोच भी अप्लाई किया गया, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान में रखिएगा। सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को रीड करने की कोशिश करेंगे और एम्प्लॉय को रीड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ये इसके बारे में क्या सोचता है या ये इसके बारे में क्या सोचता है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि ये इसके बारे में अगर गलत इंटरप्रेट करेगा, ये इसके बारे में गलत इंटरप्रेट करेगा, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अगर दोनों अच्छा इंटरप्रेट करेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है, ये भी सच नहीं ये भी बहुत अच्छा आदमी है, तो कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, हर सुविधाएं मिलती रहेंगी। लेकिन क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से एडवर्स कहीं ना कहीं अलग अलग विचार रखते हैं, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो आगे पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, the psychological psychologist perceive that the problem of the industrial relation as the result of the varying perception, मतलब अलग-अलग vary करते हुए perception and mindset of the key participants, जैसे क्या है कि employees and management, मतलब मनोवैज्ञानिक या औद्योगिक संबंधों की समस्या को प्रमुख प्रतिभागियों मतलब जो भी इसमें मतलब पैरा मतलब जो इसमें शामिल है जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, यानी कर्मचारी और प्रबंधक की बदलती धारणा, मतलब उनका जो धारणा मतलब एक दूसरे के प्रति क्या धारणा या मानसिकता किस तरीके की है उसका परिणाम कहीं कहीं है मेरे भाई। द थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट, मतलब एक टेस्ट है थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय मोशन हेरे। अब यही इसके प्रोपोनेंट मतलब इसको यही इस थ्योरी को दिए थे, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर mindset and perception of the two significant work group executive and union leader in a kind of a particular situation. मतलब क्या है कि एक situation है उसमें क्या है कि एक मतलब क्या है कि एक condition मतलब दिया गया situation के अंतर्गत क्या है कि कुछ study किया गया है कि किस तरीके से एक research दिया गया और किस तरीके से ये लोग behave कर रहे हैं। अब होता क्या है मेरे भाई कि ये दोनों जो employer जो इंप्लॉय है, ठीक है, इंप्लॉय इन दोनों के बिहेवियर को कहीं ना कहीं वहां रीड करने की कोशिश किया गया। अब किया क्या जाता है इसके अंतर्गत, सपोज करो एक पर्सन है, दोनों को एक फिगर दिया गया इन दोनों को कि भाई इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो जानते हो क्या होता है, जो इंप्लॉयर या ट्रेड यूनियन मतलब इंप्लॉय या ट्रेड यूनियन है वो कहता है ये सोचता है कि मैनेजमेंट है और जो इंप्लॉयर है ये सोचता है ये ट्रेड यूनियन है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा मतलब आता है कि दोनों अलग अलग ही सोचते हैं मेरे भाई, कहने का मतलब यह कि दोनों अलग अलग ही सोचते हैं। आगे देखेंगे आप परिस्थिति को समझेंगे, ठीक है। अब आगे लिख क्या रहा है ध्यान से समझिएगा, अब आगे लिख रहा है, इन दिस टेस्ट बोथ द ग्रुप्स वेयर आस्क्ड टू रेट एंड इंटरप्रेट द फोटोग्राफ एन ऑर्डिनरी मिडिल एज पर्सन एंड द रेजेंट वेयर ड्रास्टिकली कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। The union leader perceived that the person to be a manager, whereas the executive thought the person was a
यूनियन मीटर, मतलब क्या है, इस परीक्षा में दोनों समूहों को एक समान मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति को तस्वीर को रेट करने और उसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया था और परिणाम काफी विपरीत थे, मतलब जो भी चीजें थे, मतलब जो उसके रिजल्ट आए या जो भी वो इंटरप्रिटेट करके बताए थे चीजों को, वो बहुत ही अलग अलग देखने को मिला। क्या संघ के नेताओं ने उस व्यक्ति को प्रबंधक माना जबकि अधिकारियों ने सोचा कि वह व्यक्ति संघ का नेता है मेरे भाई, ठीक है। अब ये क्या है कि लोग क्या है कि अगले के अंतर, मतलब अगले को लेके क्या विचारधारा बनाते हैं, वही चीज इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी मेरे भाई। अब सपोज करो अगर मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ये समझ लेता है कि वर्कर फर्जी में स्ट्राइक करते हैं या ये काम नहीं करना चाहते, तो वो हमेशा यही सोचेगा। अगर कोई वर्कर अच्छे से भी काम करने का प्रयास करेगा फिर भी उसके दिमाग में ये रहेगा कि ये काम नहीं करना चाहता, या मतलब वर्कर से सोच ले मैनेजमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करता, तो कुछ भी करेगा तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगा ही मेरे भाई, ठीक है। इधर तो बात समझिएगा, आगे ध्यान ध्यान देने की कोशिश क्या है कि द मेजर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टेस्ट वेयर एज़ मतलब क्या क्या बताया गया इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको द जनरल बिलीफ ऑफ मैनेजमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए लेबर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्या है, सिंपल सी बात क्या है, इसको ध्यान समझना कि इन दोनों का जो भी सोच है या विचारधारा है वो अलग अलग कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब एक प्रबंधक प्रतिनिधि का सामान्य विश्वास एक श्रमिक प्रतिनिधि से पूरी तरह अलग होता है मेरे भाई, ठीक है। Both the management and the labor do not consider each other to trustworthy, मतलब एक दूसरे में कहीं ना कहीं वो विश्वास नहीं दिखा रहे हैं, समझ गए, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रबंधक और मजदूर दोनों एक दूसरे को भरोसेमंद नहीं मानते हैं। Each and even each of these groups consider that the other one lacks emotion and interpretation attribute, ठीक है। यहां तक कि इसमें से प्रत्येक समूह यह मानता है कि दूसरे में, मतलब क्या है कि जो प्रत्येक समूह एक दूसरे की जो बात है उसको ध्यान में समझना कि भावनात्मक और पारस्परिक गुणों का अभाव है मेरे भाई। तो ये सारे इसके कॉन्सेप्ट, मतलब ये चीजें निकल के आती है भाई। अब क्या है, दीज कॉन्ट्रास्टिंग इंप्रेशन आर ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक एज वेल नॉन इकोनॉमिक फैक्टर लाइक, मतलब क्या है कि इन सब चीजों को ये ध्यान में रखता है जिसके कारण ये कहीं ना कहीं आ रहा है, पावर पोजीशन पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिकॉग्निशन बिलीफ एजुकेशन सोशल सिक्योरिटी एंड द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। ये विपरीत प्रभाव कुछ आर्थिक और गैर आर्थिक कारणों का परिणाम है कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब जो एक दूसरे पे विश्वास नहीं है और अलग अलग सोच रख रहे हैं, जैसे मूल्य शक्ति स्थिति व्यक्तिगत उद्देश्य मान्यता विश्वास शिक्षा सामाजिक सुरक्षा और व्यक्तियों की आय, इसको कहीं ना कहीं जनरेट करते हैं। Also, each of these parties form a negative image or perception of each other. मतलब ये दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं निगेटिव इमेज कहीं ना कहीं बना के रख सकते हैं या अपने अंदर का एक परसेप्शन बना सकते हैं, ड्यू टू विच दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन द एक्शन एंड द बिहेवियर ऑफ द वन अदर। मतलब क्या है कि जिसे हमेशा, मतलब क्या है, एक दूसरे में क्या है व्यवहार में वो दोष ढूंढने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। साथ इसमें प्रत्येक पक्ष एक दूसरे के नकारात्मक छवि और धारणा बनाता है मेरे भाई, जिससे वो हमेशा एक दूसरे के कार्यों और व्यवहारों में दोष ढूंढते हैं कहीं ना कहीं। ये सारी बातें बताया है। अब देखिए आगे लिख रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द फैक्टर मेंशन्ड अबव देयर रिमेन टेस्ट इंटर, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशन लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट विच द यूनिट अल्टीमेटली हिंडर द इमेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से माहौल बना रहता है मेरे भाई, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। देखिए हम भी लगातार बोल रहे हैं, अब दिमाग भी थोड़ा साइलेंट कभी कभी हो जाता है। ऊपर वर्णित कारकों के परिणाम स्वरूप एक तनावपूर्ण पारस्परिक संबंध बना रहता है मेरे भाई, और ये अच्छा तो होगा नहीं, आपको पता ही है, जिससे संघर्ष होता है जो अंततः शामिल व्यक्तियों की छवि और रुचि में बाधा कहीं कहीं डालता है मेरे भाई। क्लियर है, क्लियर है। तो ये सारा चीज आपको समझ में आनी चाहिए, तो इसको जो पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। अब आगे देखिए लिख रहा है अगला, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मतलब क्या है कि किस तरीके का रिलेशन है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या है जैसे कि चलिए ध्यान दीजिएगा, जो अपना है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इसके अंतर्गत संपत्ति माता कि कौन दिया है ये दिमाग में रखना है, ठीक है, कि जेविस दिए हैं, ठीक है। और इसमें बताने की कोशिश कर रहा है, जो पीछे थोड़ा सा समझने की कोशिश भी किए थे कि भाई जिस तरह से सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं या अलग अलग लोग हैं और उनका हर चीज का माइंड सेट है, बिहेवियर है, हर चीज अलग अलग है मेरे भाई। लेकिन क्या है कि एक पर्टिकुलर एक अचीवमेंट या एक गोल के लिए कहीं कहीं एक साथ करने का और एक साथ कार्य करने का एक दिशा में कार्य करने का कार्य करते हैं कहीं कहीं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी कंप्राइज ऑफ द ह्यूमन बीइंग हु वेरी इन वेरियस एस्पेक्ट एज देयर बिहेवियर इमोशन एटीट्यूड माइंडसेट पर्सनैलिटी बट
they have come together to achieve common organizational goal, मतलब common organizational goal और objective के लिए वो कहीं ना कहीं एक साथ आते हैं, मतलब मानवीय संबंध दृष्टिकोण की अवधारणा के पीछे व्यक्त किथ डेविस का मतलब इनका है, ये इसके मतलब प्रतिपादक है कहीं ना कहीं। संगठन और समाज में ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने व्यवहार, भावनाओं और दृष्टिकोण, मानसिकता और व्यक्तित्व के रूप में विभिन्न पहलुओं में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन वे सामान्य संगठनात्मक और लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आए हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, मतलब इस पूरे इसका जो है ना उसका इसका एम हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एम क्या है ये दिमाग में रखना मेरे भाई, आगे अभी मिल जाएगा आपको। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच अंडरलाइन द नीड फॉर द मेकिंग ए इंडिविजुअल फैमिली विद द वर्क सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटिंग एफर्ट ऑफ द वर्कर। The purpose is to meet the social, psychological and economical objective by the enhancing the overall productivity। ठीक है, मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय संबंध दृष्टिकोण की अवधारणा व्यक्ति को संगठन के कार्य स्थितियों से परिचित कराने, मतलब क्या फैमिलियर बनाने के लिए या बताने के लिए, और श्रमिकों के प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है मेरे भाई। इसका उद्देश्य समग्र उत्पादन को बढ़ाकर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना है। क्या कि कहीं ना कहीं जो उसका प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर समग्र उत्पादन को बढ़ाकर इन सब उद्देश्यों को कहीं ना कहीं पूरा करना है मेरे भाई। ठीक है, सम ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आर एज फॉलो। मानवीय संबंध उपागम को कुछ प्राथमिक मतलब कुछ प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार है, जैसे पहला संगठन टू इंश्योर द कोऑपरेशन बाय प्रोमोटिंग द म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब क्या है कि दोनों का जो इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के इंटरेस्ट के बारे में कहीं बात करेगा। ठीक है, संगठन के पारस्परिक हित को बढ़ावा देकर सहयोग सुनिश्चित करना मेरे भाई। टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब व्यक्तियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल नीड ऑफ द इम्प्लॉयज। ठीक है, कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे क्या लिख रहा है कि दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन द एनहांसिंग द लेवल ऑफ द एफिशिएंसी, वर्कर मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन बाय अप्लाइंग दिस स्पेसिफिक टेक्निक और टूल्स एंड द क्वालिटी। यह सिद्धांत विशिष्ट तकनीकों या उपकरणों और नीतियों को लागू करके दक्षता मतलब क्या है एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात कर रहा है, कि स्तर, कार्यकर्ता के मनोबल और नौकरी को संतुष्टि बढ़ाने पर केंद्रित करता है मेरे भाई। ठीक है, कि सेंटर्ड कहाँ रहता है, क्या है कि अप्लाइंग द स्पेसिफिक टेक्निकल टूल्स और पॉलिसी, क्या उससे मिलेगा मेरे भाई, जॉब सेटिस्फेक्शन, मोरल बात करेगा, वर्कर्स के मोरल के बात करेगा, एफिशिएंसी के बारे में बात करेगा, तो इन सबको कहीं ना कहीं ये केंद्रित करता है मेरे भाई। द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हाईलाइट द टेक्निक फॉर इन्फोर्सिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर द वर्क एनवायरनमेंट फॉर फॉर्मिंग स्मॉल वर्क ग्रुप्स एंड टू एंड एट द सेम टाइम एलिमिनेटिंग द हर्डल्स ऑफ साउंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। मतलब मानवीय संबंध दृष्टिकोण में छोटे कार्य समूहों का गठन करके और साथ ही मजबूत श्रम प्रबंधन संबंधों की बाधाओं को दूर करके कार्य वातावरण पर उचित नियंत्रण लागू करने के लिए एक तकनीक पर प्रकाश डाला है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ये सब छोटी छोटी बातें इसको ध्यान में रखिएगा, जो इसके एम है उसको ध्यान में रखिएगा, किसने दिया है ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इन सबको पढ़ के आप आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो अपना पॉइंट हमें पढ़ना है, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द वेज, मतलब वेज को लेके क्या क्या कॉन्सेप्ट आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे वेज फंड थ्योरी के बारे में बताएंगे, सब्सिस्टेंस थ्योरी के बारे में बात करेंगे, द सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेज के बारे में बात करेंगे, रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ द वेज के बारे में बात करेंगे, बिहेवियर थ्योरीज ऑफ द वेज के बारे में बात करेंगे। सब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक है, जैसे क्या कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेज फंड थ्योरी, मतलब इसके अंतर्गत एक फंड बनाया जाएगा, उसके आधार पर थ्योरी के थ्योरी को टोटल मतलब कहीं कहीं आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रहा है कि वेज फंड थ्योरी ये डेवलप किया गया एडम स्मिथ के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है आपको पता ही होगा, एडम स्मिथ के द्वारा थ्योरी दिया गया है वेज फंड थ्योरी। ठीक है, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द बेसिक अजम्पशन, मतलब क्या बेसिक अजम्पशन है इसको ध्यान में रखिएगा, दैट द वर्कर आर पेड वेज आउट ऑफ ए प्री डिटरमाइंड फंड। मतलब क्या है कि प्री डिटरमाइंड एक फंड होता है, उसी के आधार पर कहीं कहीं वर्कर को वेज पेड किया जाएगा। दिस फंड इज कॉल्ड वेज फंड, क्रिएटेड ए रिजल्ट ऑफ सेविंग, मतलब क्या है कि जो भी सेविंग हो रही है वेल्थ से कहीं ना कहीं उसके आधार पर इसको क्रिएट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ द डिमांड फॉर लेबर एंड द रेट ऑफ वेज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेज फंड। इनके आधार पर यह भी बताया जाता है मेरे भाई कि अब पूछ लेगा कि इनके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, वेज फंड, तो ध्यान में रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है,
एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, लिख रहा है कि द डिमांड फॉर लेबर एंड द रेट ऑफ वेज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ फंड, किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, जो वेज है उसके फंड पे कहीं कहीं डिपेंड कर रहा है क्या, कि लेबर का डिमांड कैसे होगा और उसका रेट क्या होगा, मतलब वेज का रेट क्या होगा कहीं कहीं। अकॉर्डिंगली इफ वेज फंड इज लार्ज, मतलब सिंपल सी बात कर रहा है कि सिंपल सी बात ये कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना कि जो वेज फंड है अगर वो बड़ा है तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है वेज वुड बी हाई एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या है कि वेज हाई होगा, मतलब क्या है कि अगर वेज फंड बड़ा है तो जो वेज होगा वो भी ज्यादा होगा, और अगर वेज फंड छोटा है मेरे भाई, अगर स्मॉल है या कम है तो जो वेज होगा वो भी कम होगा मेरे भाई। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से जनरेट होता है मेरे भाई, ठीक है। और ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, कहीं कहीं वेज फंड पे डिपेंड कर रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसको हिंदी में पढ़ के समझ लेते हैं। यह सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा विकसित किया गया, उनका सिद्धांत इस मूल धारणा पर आधारित था कि श्रमिकों को धन के पूर्व निर्धारित कोष से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अब ये पूर्व निर्धारित कोष कैसे बनता है मेरे भाई, जो सेविंग हो रही है उसको कहीं कहीं दिमाग में रखना है, मतलब जो उसके वेल्थ के कारण या प्रोडक्शन के कारण जो सेविंग हो रही है उसी से ये बनाया जाएगा। ये अनुमिति उन्होंने कहा बचत के परिणाम स्वरूप बनाई गई मजदूरी निधि है मेरे भाई। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम की मांग और मजदूरी की दर मजदूरी निधि के आकार पर निर्भर करती है, तदनुसार यदि मजदूरी निधि बड़ी है तो मजदूरों का मजदूरी अधिक होगी और इसके विपरीत अगर निधि छोटी है तो मजदूरों की जो वेज होगा वो कहीं कहीं कम होगा मेरे भाई। अतः अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, सब्सिस्टेंस थ्योरी के बारे में बात करेगा। ये डेविड रिकार्डो के द्वारा, ये भी इकोनॉमिस्ट थे, इनके द्वारा ये कहीं कहीं दिया गया। अब सबसे मतलब क्या है कि जीवन निर्वाहन के लिए कुछ ना कुछ इतना तो आवश्यकता है कि इस लेवल पे हमें चाहिए, इसके अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा मेरे भाई। सब्सिस्टेंस मतलब क्या है, थ्योरी के अंतर्गत सब्सिस्टेंस लेवल का जो वेज है ना वो एक आधार बनता है, अगर इससे ज्यादा है तो भी कम होगा कहीं कहीं आगे कम होके आएगा, अगर इससे कम है तो कहीं ना कहीं है इसको बनाने की कोशिश करेगा मेरे भाई, ठीक है। मतलब क्या, अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चीजें आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि इस लेवल पे हमेशा रखने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं इस थ्योरी के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द डेविड रिकार्डो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लेबर आर पेड टू बी इनेबल देम टू सब्सिस्ट एंड परपेचुएट द रेस विदाउट इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशन। इस थ्योरी के अंतर्गत मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लेबर आर पेड टू बी इनेबल देम टू सब्साइड, ध्यान दीजिएगा इस थ्योरी को रिकॉर्डो सामने दिए, इतनी बात समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लेबरर्स आर पेड टू बी इनेबल देम आफ्टर सब्सिस्टेंट एंड द परपेचुएट द रेस विदाउट इंक्रीज और डिमिनिशन, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात इधर से आएगी, ध्यान से समझिएगा। द पेमेंट इज आल्सो कॉल्ड ए सब्सिस्टेंस वेज, द बेसिक अजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से देखिएगा, इज ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इफ वर्कर आर पेड वेज मोर देन द सब्सिस्टेंस लेवल, मतलब क्या सिंपल सी बात कर रहा है कि जो वर्कर है उसको सब्सिस्टेंस लेवल से अधिक अगर पेड हो रहा है, मोर देन द सब्सिस्टेंस लेवल वर्कर्स नंबर विल बी इंक्रीज, मतलब जो वर्कर का नंबर होगा मतलब कितने एम्प्लॉय काम करेंगे वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट वेज विल बी कम डाउन टू द सब्सिस्टेंस लेवल, जिसका कारण ये होगा कि ये फिर से अपने सब्सिस्टेंस लेवल पे कहीं कहीं आ जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझ में गया कि मेरे भाई सिंपल सी बात कर रहा है कि वर्कर को अगर सब्सिस्टेंस लेवल से ज्यादा पेमेंट किया जा रहा है तो नंबर ऑफ वर्कर कहीं कहीं बढ़ेगा, और जिसके कारण क्या होगा कि फिर बाद में क्या है कि ये सब्सिस्टेंस लेवल पे कहीं कहीं चीजें आ जाएंगी। ऑन द कॉन्ट्रारी इफ वर्कर आर पेड लेस दैट सब्सिस्टेंस लेवल, मतलब अगर इससे कम दिया जा रहा है, इससे कम दिया जा रहा है तो नंबर ऑफ वर्कर विल डिक्रीज, मतलब क्या है कि फिर से मतलब होगा क्या कि नंबर ऑफ वर्कर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। अब ध्यान देना कि अगर ये वर्कर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक जीवन निर्वाहन से कम मजदूरी दी जा रही है तो वर्कर काम नहीं करेगा, धीरे धीरे वो कम होते चले जाएंगे, फिर क्या होगा ये चीजें कहीं कहीं इसके लेवल पे आ ही जाएंगी। अब देखिए क्या लिखा, अब डिक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ द स्टार्वेशन डेथ माल न्यूट्रिशन डिजीज, ये सब समस्याएं क्रिएट होती है क्या अगर जीवन निर्वाहन से कम कहीं कहीं पैसा उसको दिया जा रहा है। यह सिद्धांत डेविड रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित किया गया कि सिद्धांत के अनुसार मजदूरों को बिना किसी वृद्धि या कमी के दर को बनाए रखने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए भुगतान किया जाता है। मतलब क्या है कि मजदूरों को बिना किसी वृद्धि, मतलब कोई बढ़ाए बिना या कमी किए बिना, मतलब एक लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको रेस में बढ़ाने की बात की जा रही है। इस भुगतान को निर्वाह
मजदूरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की मूल धारणा यह है कि यदि श्रमिकों को निर्वाह स्तर से अधिक मजदूरी भुगतान किया जाता है तो श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप मजदूरी निर्वाह स्तर कम हो जाएगा कहते हैं। इसके विपरीत यदि श्रमिकों के निर्वाह मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है तो भूख से मृत्यु परिणाम स्वरूप श्रमिकों की संख्या कहीं ना कहीं घट जाएगी, कुपोषण, बीमारी आदि जैसी कई सारी समस्याएं यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, मिनिमम वेजेज किस पे मिनिमम वेजेज को रिफर्स करता है। देखो मेरे भाई मिनिमम वेजेज आ गया तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक लास्ट वाले पेपर में आया था एक आर पॉइंट फार्मूला करके आया था क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है कि सबको लगता है वो थ्योरेटिकल पार्ट था, कहां से वो थ्योरी रही होगी। अब बहुत सारे टीचर लोग बता देंगे कि नहीं यही थ्योरी है, उसको ला कर पढ़ा भी देंगे, अपने नोट्स में डाल भी देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो टोटल जो भी क्वेश्चन था ना वो द हिंदू से उठाया हुआ क्वेश्चन था। कहाँ से? द हिंदू से उठाया हुआ क्वेश्चन था मेरे भाई, और रॉबर्ट हॉक्सी वाला भी द हिंदू से कहीं ना कहीं था। अब ध्यान से जो उस समय क्वेश्चन आया था ना, ठीक है, वो क्या है मिनिमम वेजेस से रिलेटेड था। मिनिमम वेजेस से उस समय सेवेंथ पे कमीशन लागू किया गया था, उसमें इसी को लेके मिनिमम वेजेस को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स में आए थे उनके नाम के साथ, तो वहां से डायरेक्ट वो पेपर में पूछ लिया था मेरे भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जिस तरीके से इस समय क्या हुआ है, अभी एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं उसका नाम बता दूंगा एक दिन, ठीक है, मतलब किसी दिन मैं बता दूंगा उस चीज को, एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है, तो उस चीज को लेके, तो उस तरीके से आपको पेपर से पढ़ने से भी कुछ चीजें आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे मेरे भाई। रॉबर्ट हॉक्सी, अब रॉबर्ट हॉक्सी 1916 में मर गए थे और 100 वर्ष के बाद क्या है उनपे बहुत सारे आर्टिकल्स आए, वर्ल्ड लेवल पे चीजें आगे बढ़ी थी, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया था। हाँ, वो है थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट में, लेकिन क्या है कि वो वहां से चीजों को उठाया था मेरे भाई। पेपर में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका पढ़ा नहीं होगा, और वो कहां से कि भाई हो सकता है पेपर से उठाया हो या वर्ल्ड न्यूज से कहीं ना कहीं उठा लिया हो, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही है, इसको मान के चलिएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और देखिए अब आगे बढ़ते हैं, द सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ द वेजेस। ठीक है, अब देखो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये कहीं ना कहीं दिया गया है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बेसिक अजम्पशन। अब इसका अजम्पशन क्या है इसको ध्यान से देखना है, दैट लाइक अदर आर्टिकल लेबर इज आल्सो एन आर्टिकल। अब क्या है मेरे भाई, इस बात को समझ लेना, इसको दिमाग में रख लो बिल्कुल, कि भाई कौन से थ्योरी के अंतर्गत इसका अजम्पशन इस तरीके से किया गया, क्योंकि ये पेपर में पूछ लेगा मेरे भाई। अब ध्यान दो, जैसे आईएलओ का क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आईएलओ का अजम्पशन के बारे में कहीं कहीं पूछा था, ऑब्जेक्टिव के बारे में क्वेश्चन, और वो सीधे सामने लिखा हुआ भाई, जैसे फिलाडेल्फिया से रिलेटेड 1944 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये सारी चीजें आपको लिखी भी है, उसको हम दिए भी हैं आपको। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट आपसे पूछा, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना ही चाहिए मेरे भाई। अब क्या है कि आप सोचो कि यार क्या है कि जितने भी आईएलओ के जितने भी रिकमेंडेशन हुए या जितने भी मतलब कॉन्फ्रेंस हुए सब याद कर रहे, मेरे भाई 200 से ज्यादा हो चुके हैं, कितना याद करूं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट ही पूछता है, जैसे 1944 का इंपॉर्टेंट था वो पूछा आपसे, अब वही दोबारा भी इसी तरीके से चीजें, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा एरिया है, बहुत चीजें बताई गई वहां पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इसके अजम्पशन को आपको दिमाग में रखना है, कहीं आगे देखिए, विच कुड बी परचेस्ड एट पेमेंट ऑन इट्स प्राइस। मतलब क्या है कि सिंपल सी बात कर रहा है कि जो लेबर है एक आर्टिकल है, मतलब एक वस्तु है जिसको खरीदा जा सकता है, किस आधार पे कि भाई उसका पैसा देके, क्या जो वो वर्क कर रहा है उसका फेयर मनी देके उससे उस चीज को लिया जा सकता है, ये बात बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दिस पेमेंट अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स इज सब्सिस्टेंस लेबर व्हिच इज लेस देन प्रोपोर्शन टू टाइम लेबर टेक्स टू प्रोड्यूस आइटम। मतलब क्या है कि पर्टिकुलर उस लेबर उस पोर्शन से कम ही कहीं कहीं देखने को मिलता है। द सरप्लस अकॉर्डिंग टू हिम गोज टू द वोनर। इसी पे तो पूरा कॉल मार्क्स का कॉन्सेप्ट आ गया था कि मतलब कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं वोनर के पास जा रहा है। ठीक है, कॉल मार्क्स इज वेल नोन
फॉर हिज एडवोकेशन ऑफ द फेवर ऑफ द लेबर, फेवर लेबर की फेवर में कहीं कहीं वो बात करते हैं। तो लिख रहा है यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित किया गया, यह सिद्धांत इस मूल धारणा पर आधारित है कि उन वस्तुओं मतलब जो लेबर है कहीं ना कहीं अन्य वस्तुओं की तरह श्रम भी एक वस्तु है जिसे उसकी कीमत यानी मजदूरी के भुगतान पर खरीदा जा सकता है। मतलब पर्टिकुलर जो कार्य कर रहा है अगर उसका पेमेंट किया जाए तो वो खरीदा जा सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह भुगतान निर्वाह स्तर पर है जो कि श्रम द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाले समय के अनुपात से कहीं ना कहीं कम है। उनके अनुसार सब यही पूछ लेगा कि इनके अनुसार जो श्रम उत्पादन है वो कहीं ना कहीं जो लगने वाला टाइम है उससे ज्यादा है या उससे कम है, इसको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी लाइन आपको टप बना के पूछा जा सकता है। उनके अनुसार अधिशेष मालिक के पास जाता है, कार्ल मार्क्स श्रम के पक्ष में अपनी वकालत के लिए जाना जाते हैं। दोस्तों अब अगला जैसे अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, फ्रांसिस एम वॉकर, ठीक है। अब क्या है वॉकर साहब के अंदर क्या कहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब क्या है, देयर आर फोर फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब चार फैक्टर होते हैं, क्या है, एक तो लैंड है, ठीक है, दूसरा क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। अब ध्यान से समझिए, लैंड है, लेबर है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, और क्या है, कैपिटल के बारे में बात कर रहा है जो पूंजी लग रही है, और इंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो मतलब क्या है कि जो व्यवसायिक व्यक्ति है उसके बारे में कहीं ना कहीं बात करेगा, मतलब उद्यमिता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए अब क्या है कि कह रहा है कि जो रेसिडुअल, इसका नाम ही समझिए, जो बचा हुआ क्लाइमेट थ्योरी के बारे में बात करेगा, क्योंकि जो बचा हुआ है वही क्या नाम है वेज होगा। कैसे होगा इसको ध्यान से समझना है कि भाई देखो एक लेबर है, ठीक है, और इन्हीं चारों पैरामीटर पे कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन डिसाइड हो रहा है, मतलब उसका जो इनकम हो रहा है इन्हीं के आधार पे डिसाइड हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो क्या होता क्या है कि जैसे क्या है कि लैंड है, तो लैंड का क्या है किराया कहीं ना कहीं दिया जाएगा, मतलब रेंट के बारे में बात किया जाएगा तो रेंट भी निकाला जाएगा, ठीक है। कैपिटल है तो उसपे मुनाफा, कैपिटल है तो भाई उसपे ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब जो उसपे इंटरेस्ट हुआ है वो भी चाहिए, मेरे भाई पैसा लगाया है तो उसे उस पैसे के बदले भी कुछ चाहिए, और अगर जमीन है तो उसके बदले रेंट भी चाहिए मेरे भाई, और अगर हम इंप्लॉय मतलब कोई अगर एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या मुनाफा कमाना चाहेगा कि नहीं कमाना चाहेगा, या अपना सैलरी तो कम से कम निकालेगा ना, मतलब क्या है कि प्रॉफिट के बारे में बात करेगा। अब देखो ये सब तीनों चीजें निकालने के बाद जो इनकम हो रहा है, इनकम से इन तीनों चीजों को निकालने के बाद जो बचता है वही कहीं कहीं लेबर के वेज पे कहीं कहीं खर्च किया जा रहा है, या उसी के आधार पे फिर दिखाई देता है, मतलब उसको बनाया जाता है। तो क्या दिख रहा है बाद में बचने के बाद वाला, इसीलिए मतलब किसी चीज को समाप्त होने के बाद वाला बात करेंगे, तो जो बच जाता है उसके आधार पे ये डिसाइड हो रहा है। अब देखिए इस सिद्धांत के विकास का श्रेय फ्रांसिस ए वॉकर को जाता है। वॉकर के अनुसार उत्पादन या व्यवसायिक गतिविधियों के चार कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। उनका विचार है कि एक बार अन्य सभी तीनों कारकों को पुरस्कृत करने के बाद जो बचता है, मतलब क्या है कि तीनों मेन तीनों को अगर एक बार पुरस्कृत कर दिए उसके बाद जो बनता है वो श्रमिकों की मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार कार्यकर्ता अवशिष्ट का दावेदार है, मतलब जो वर्क कर रहा है, जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं अवशिष्ट का दावेदार है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़े, ठीक है। अब अगला देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में बात करेगा, ठीक है। मार्जिनल शब्द का मतलब समझना मेरे भाई, मार्जिनल शब्द का मतलब ये होता है, पहले इसको पढ़ के समझा देता हूं उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा, प्रचंड बेरोजगारी को भी दिमाग में रखना मेरे भाई, ठीक है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द फिलिप हेनरी विक स्टीड, मतलब जो इंग्लैंड के थे और इनके द्वारा दिया गया मेरे भाई, ठीक है, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। According to this theory, wage is determined based on the production contribution by the last worker. यही दिमाग में रखना है। अब देखो क्या है, ठीक है? अब देखो, simple सी बात है, जो marginal शब्द यूज होता है ना, marginal शब्द यूज होता है, वो last होता है। Last कैसे होता है? मेरे भाई ध्यान से समझिए। सब कुछ करिए, किसी इंडस्ट्री में 100 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है? अब एक आदमी अब बढ़ गया, और इन सब का प्रोडक्शन सब कुछ करिए क्या है कि सपोज करिए 200 यूनिट है, ठीक है। अब क्या एक आदमी को बढ़ने के बाद, जो ये लास्ट वाला आदमी है उसके बढ़ने के बाद इस प्रोडक्शन में क्या ग्रोथ हो रहा है, वही कहीं कहीं मार्जिनल के अंतर्गत आएगा।
समझे नहीं समझे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कही जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसके आधार पे इसमें कहीं ना कहीं वेज को डिसाइड किया जाएगा। अब देखो प्रश्न में बेरोजगारी का जो कॉन्सेप्ट आता है उसको ध्यान में रखना है। सपोज करो किसी परिवार के अंतर्गत 10 व्यक्ति हैं और वो किसी खेत में, मतलब उनके पास जो भी खेत है उसमें वर्क करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि एक व्यक्ति अगर और बढ़ गया, सपोज करो एक व्यक्ति और बढ़ गया और उनके प्रोडक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मतलब प्रोडक्शन में जो ग्रोथ होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है, तो यही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वहां जीरो होती है, जिसके कारण प्रचंड बेरोजगारी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ तो अभी तक हमको लग रहा है कि आप मार्जिनल की बात को समझ गए और इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, तो ये टोटल इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए अगला जो थ्योरी है, द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेज, मतलब क्या है, इसमें बार्गेनिंग के आधार पर किस तरीके से चीजों को बढ़ाया जाता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। जॉन डेविडसन वाज द प्रोड्यूसर प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फिक्सेशन ऑफ द वे डिपेंड ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई जो भी बार्गेनिंग पावर होगी, एक तरफ इंप्लॉयर है एक तरफ इंप्लॉय है, तो इनका जो ट्रेड यूनियन है वो कितना मजबूत है। अगर ये मजबूत है ट्रेड यूनियन, तो इनका जो वेज होगा वो अच्छा होगा, ज्यादा होगा। अगर ये मजबूत है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं वेज कम होगा भाई। आगे यही लिखा मिलेगा, आपको देख के पढ़ना है समझना है। इफ द वर्कर आर द स्ट्रॉन्गर इन द बार्गेनिंग प्रोसेस द वेज टेंड टू बी हाई, मेरे भाई। इन केस ऑफ एम्प्लॉयर प्ले ए स्ट्रॉन्गर रोल देन द वेज टेंड टू बी लो, मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर बात समझ में आ गई, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब देखिए अगला क्या लिख रहा है, बिहेवियर थ्योरी ऑफ द वेजेज। अब इसमें क्या किया गया है कि बिहेवियर थ्योरी ऑफ वेजेज के अंतर्गत क्या है कि आधारों पे चीजों को डिसाइड किया गया, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ स्टडीज एंड एक्शन प्रोग्राम कंडक्टेड सम बिहेवियर साइंटिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ वेज। देयर थ्योरी आर बेस्ड ऑन द एलिमेंट लाइक द एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस टू द वेज लेवल या प्री वैलेंट इंटरनल वेज स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज कंसिडरेशन ऑन मनी और वेज एंड सैलरी एज मोटिवेटर्स। ठीक है, मतलब किए गए शोध और अध्ययनों और कार्रवाई कार्यक्रमों के आधार पर कुछ व्यवहार वैज्ञानिकों के ने मजदूरी के सिद्धांत को विकसित किया। उनके सिद्धांत वेतन स्तर पर कर्मचारियों की स्वीकृति, प्रचलित आंतरिक वेतन संरचना और पैसे या मजदूरी पर कर्मचारियों के विचार और प्रेरक के रूप में वेतन जैसे तत्वों पे आधारित थे। इनके आधार पे ये कहीं कहीं रिसर्च किए थे और बिहेवियर कॉन्सेप्ट दिए थे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मेरे भाई। इसके अंतर क्या क्या है कि हम अप्रोचेज को पढ़ चुके हैं और क्या है कि जो वेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ चुके थे। इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। मैं तो पढ़ के सुनाया हूँ सब कुछ करो, ठीक है। कुछ जहाँ कॉन्सेप्ट था समझाने को वो समझाएगा। अब एक बार पढ़ोगे ना मेरे भाई, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ ये आसानी से एकदम तैयार किया जा सकता है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या, दिमाग में एक बात रख लेना कि जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बात बताई है उसको ध्यान में रखना मेरे भाई। और देखो एक चीज और समझो कि अब जो समय है वो सबसे टफ है मेरे भाई, ठीक है। आप अभी तक कितना पढ़े, कैसे तैयार किए, नहीं मतलब रखेगा मेरे भाई। हाँ ये है, उसको पढ़ लिए है तो आपको ये चीज हो जाएगा कि आने वाला जो समय है मेरे भाई उसमें आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आज से भी लग जाते हैं मेरे भाई, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो अभी 2 महीने टाइम है, दम जम के पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। एकदम जम के पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लेके आगे निकलिए मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।